हाय एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ तंदूरी चिकन सैलेड की रेसिपी। जिन लोगों को सैलेड खाना बिल्कुल नहीं पसंद है, वो एक बार इसे खाने के बाद बार बार इसे खाते हैं और हेल्दी होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी भी है, तो ज़रूर ट्राई करके देखना। तो सबसे पहले आपको ले लेना है 5 तंदूरी चिकन के पीसेस। तो तंदूरी चिकन को आपको निकाल लेना है। अब आपको तंदूरी चिकन को इस तरह से एकदम लंबा लंबा काट लेना है। आप चाहें तो छोटे छोटे पीसेस करके भी इसको डाल सकते हैं। तंदूरी चिकन आप घर पे कैसे बना सकते हैं, वो भी गैस पे, उसकी रेसिपी ना आपको पर शो हो गया, वहाँ से ज़रूर देख लेना। तंदूरी चिकन गैस पे बनाना बहुत इजी और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनता है, तो आप ना घर पे ज़रूर ट्राई करके देखना। तो ये देखिए, मैंने सारे तंदूरी चिकन को एकदम लंबा लंबा काट लिया है। अभी आपको इसको साइड में रख देना है। अब ड्रेसिंग बनाने के लिए आपको एक कटोरी में लेना है 2 चम्मच तेल, 1 चम्मच आपको नमक डालना है, 1 चम्मच आपको डाल देना है चाट मसाला, 1 चम्मच आपको डाल देना है काली मिर्च का पाउडर और आधा आपको इसमें नींबू का रस डालना है। अब आपको सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है। और ये देखिए, हमारी ड्रेसिंग बनके रेडी हो गई है। इसे भी अभी आपको साइड में रख देना है। अब आपको ले लेना है एक बाउल और उसमें डाल देना है बहुत सारी सब्जी। तो सबसे पहले मैंने लिया है खीरा, फिर मैंने लिया है गाजर, फिर आपको डाल देना है प्याज, फिर आपको डाल देना है शिमला मिर्च और आखिरी में आपको डाल देना है धनिया। अब आपको इसमें कटे हुए तंदूरी चिकन के पीसेस डालना है और लास्ट में डाल देना है ड्रेसिंग जो हमने रेडी करके रखा हुआ था। अब बस आपको सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है। और ये देखिए, हमारा सिंपल सा सैलेड बनके रेडी हो गया है। अब जल्दी से हम इसे सर्व कर लेते हैं। देखने में ही कितना ज़्यादा टेस्टी सैलेड लग रहा है। ऊपर से और थोड़े से तंदूरी चिकन के पीसेस में गार्निश करूंगी और लास्ट में बस धनिया से गार्निश कर दूंगी। आप भी इसे घर पे जरूर ट्राई करके देखना। आपने ऐसा सैलेड कभी नहीं खाया होगा। टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ज्यादा हेल्दी भी है। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना।